हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में खुश स्वस्थ और मस्त होंगे। तो ब्लॉग की स्टार्टिंग मैंने अभी की है, जब हम बैठ लेंगे गाड़ी में। सुबह सुबह ये होता है, सारा काम फिनिश कर लो और जाना है। और रात में सही बताऊँ तो रात में भाभी के पास चली गई थी, कुछ काम था तो लेट हो गई और मेरा बर्तन साफ करने का ही मन नहीं किया। सब कहते हैं गंगा जी नहाने जाएंगे, मैंने छोड़ दी, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई बिल्कुल भी। तो बर्तन सबसे पहले सुबह उठ के बर्तन साफ किए, सबसे बड़ा काम यही था और फटाफट साफ कर ली गए। और अभी हम कहाँ जा रहे हैं वो सब आप सबके साथ शेयर हो गई। जहाँ भी जा रहे हैं, मैं दवाई लेने जा रही हूँ बता देती हूँ, शेयर का वो तो सब शेयर हो गई, पता चली जाएगा आप सभी को। तो मैं जा रही हूँ आज दवाई लेने, काफी टाइम से सोच रही थी। पहले ये था कि किसी वजह से मम्मी को भी जाना था तो इसलिए मैंने कैंसिल कर दिया था, नहीं तो मैं वीरवार को जाती। मैंने कहा संडे को चलेंगे, एक टाइम दे दिया था। फिर मम्मी का तो जब दोबारे जाएंगे, जब लेंगे, अगर हम दवाई आराम हुआ तो दोबारे से लाएंगे, तब देख लेंगे। तो मिलते हैं फिर सभी से वहाँ जाने के बाद। अच्छा भाई, ये तो मतलब सीधा दिल्ली जाएगा रोड है, यहीं से निकल जावे। ये तो बढ़िया बना दिया, बढ़िया क्या बना दिया, सारा बेकार हो गया। एकदम गलती करके आवाज में रसनी कट गए, अगर मैं रोड पर कट गए। दिल्ली बहुत दिन बाद देख के दिल्ली का नजारा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे ये दिल्ली हमारी खूबसूरत सी प्यारी सी दिल्ली, जब इतना नहीं पता था, अब कभी कभी आ रही तो लग रहा है कि हाँ। लेकिन ये दूसरा छोर है दिल्ली का, बाल सुखाने के लिए, क्योंकि बाल भी धोएंगे, मंदिर भी जाएंगे तो इसलिए, और दवाई भी लेके आएंगे, कालकाजी मंदिर जाएंगे। और अच्छा लग रहा था तो मैंने इसलिए ये थोड़ा सा कैप्चर किया। देख भाई, हम अभी यहाँ यहाँ के यहाँ खड़े हैं और यहाँ बनाएंगे हम, अभी जाएंगे। भूख लग रही है, अब भूख लग रही है बहुत तेज। हमारे वहाँ लाइट नहीं होती, आज तो हम गोरे गोरे से होगी। नानी भी है, अब रायता है, आते रहे, दे दो, भूख लग रही है। वैसे तो पराठे खाने के भैया हैं यहाँ पे, दो प्लेट ले दो। ये देखो जा रहा है, मतलब जहाँ पे हम बाहर खाना खाएंगे, कितना अच्छा नज़ारा है, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये दिखाते हैं हम लोग, सफाई भी है भाई के खाने में, सफाई साफ सुथरा, क्लीन है। रोटी सब्जी बना दो, रोटी ना नहीं देंगे हमें, तो रोटी खानी है आज। हम देखो घूमने चले आए सुबह तो ना, और काम उसी में नहीं हुआ, और दीदी के लिए बनाए थी जल्दी जल्दी में, चार रोटी दो दो तीन को खाएगा, और हिमांशी भी खाई थी, मैंने नहीं खाया, औरतों का काम ही फ्री नहीं होता। आगे हमारा खाना भी अचार, अचार तो ये रखा हुआ हमें दिख रहा है, सफाई है अच्छे से, और अचार ले लेते हैं, अब खाते हैं छोले। आप सबको भी आना है तो आ जाइए आप सभी। खाना कैसा लगा? बहुत ज्यादा टेस्टी, वैसे नहीं नाम जैसे कि टाइप ऐसे लग रहे पराठे जैसे। आपको ऐसे पराठे खा लेते हैं ना? यार ना तिरंगा दिख रहा था कहाँ है, बहुत ही अच्छा लग रहा था, तो मैंने फोन जब तक निकाला चला, तिरंगा ही को देख के इतना अच्छा लगता है दिल्ली इतना। और अभी आ गए हम धोले कुआ, आने वाले पहुंचने वाले, आने वाले भी हम पहुंचने वाले हैं। बस तिरंगे को तो हम दिखा नहीं पाए, जब तक ऑन करते हैं जब तक निकल जाता है, तो
बाद में दिखाएंगे। देखो मैंने 2 लाख रुपए उसमें कैश भर रखे, सब दर्जन 2 लाख हुआ, 1:20 में चले गए, दिख रहा है ना आपको? हम यहाँ पे हैं इस टाइम, जब तक फोन ऑन करे वो निकल रहा है। हिमांशी के साथ भी यही हो रहा है। गुरु जी हमारे ऊपर हवाई जहाज उड़ रहे हैं, मैं वहाँ हूँ। गुरु जी कह रहे हैं अच्छी बात है बेटा आ जाओ। तो गुरुजी के यहाँ जा रहे हैं हम दवाई लेने। दवाई गुरुजी गांठ की, मतलब बहुत सारी दवाई दे रहे हैं, बहुत सारी। मैं पहली बार जा रही हूँ, गुरुजी ने कई बार बोला, पर जब मुहूर्त ही हमारा आज हुआ है, दूर पड़े हैं ना, इसलिए हम आज जा रहे हैं। किसी को भी ज़रूरत हो इस तरह की, जैसे कि भगवान ना करे किसी को भी प्रॉब्लम हो, लेकिन गांठ वगैरह तो नॉर्मल ही है, अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो दवाई ले सकते हैं वहाँ से। और ऐसी कोई दवाई नहीं है जो गुरुजी नहीं बनाते, और देसी दवाई है। एरोप्लेन तो जब है जब तो मैं बात कर रही फोन पे, एरोप्लेन में दिखाते हैं आपको। इसी के ऊपर आकर होगा हवाई जहाज, एयरपोर्ट का नहीं सर्वे है उसमें, कोई बल मैं नहीं दिखता है। अच्छा मैं सब लगा इसी को ऊपर आकर होगा, मैं भी सोचता था। मुझे लग रहा है यू एरोप्लेन दिखे है कहां पे, अब पंछी उड़ रहे हैं हवाई जहाज तो यहां से पड़ा थी, ये आजमा चीजें आ रही इधर, तो कहां देखूं मैं? हां रुक जा, अभी आने वाला है। पागल बना रहे हो, वे पीछे तक दिखाई दिया, ओ यूरा यूरा यूरा, सच में ये धुंधला दिख रहा है, पर मेरे फोन फोन धुंधला हो रहा है। मानसी पापा वीडियो बना रहे हैं, चालू है ना दिस, पापा फोन का देख धुंधला कर रखा है, मानसी साफ भी कर रखा है, कपड़ा बनवा रहा है। तो खैर हम आगे आ गए हैं सिकंदरपुर रेलवे, ये मेट्रो स्टेशन है ना भैया? हाँ अभी तो हम उस साइड आ गए हैं जहाँ सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन है। अभी नाथूपुर मंडी के सामने से आए, मतलब सिकंदरपुर मंडी बोले हैं उसे, और मम्मी मौसी के घर, और मैं इनसे कह रही हूँ कि थोड़ी देर चलो, थोड़ी देर देख आएंगे हम, अपनी मौसी से भी मिलाएंगे, क्योंकि अब मेरे बस का नहीं है मेट्रो में भी। मेरा ना बुढ़ापे की तरह शरीर कांपने लगा है, बिल्कुल हिम्मत ही नहीं होती, नज़र सी लगी, मैं कहीं भी चल दे भाई, मेरे तो नज़र सी लगी, मैं भी मानती हूँ, अब चाहे कोई कुछ भी कहो कि मैं अकेली चली जा भाई कहीं भी, अब हिम्मत ही नहीं होती। अब बताना लेके जाएंगे, लेके चल रहे हो सोनित भाई? आप बताओ। नहीं 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 है, गाड़ी वाला तो सोनित भाई है, टाइम नहीं है, बहुत बुरे हो। क्या हुआ? नींद आ रही है, पर यहाँ हवा चल रही है अच्छी। शुक्र तेरे मामा एसी चला के गए हैं। अरे पापा जी आ गए। आ गए क्या लेके आ रहे हैं? पता नहीं, ये ब्रेड पकौड़ा भाई, हम ये कुछ और लेके आ रहे हैं, पूरी तरह झीके पड़े हैं। ये कहाँ लेके आए हैं? ठंडी 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 गर्मी गर्मी कहाँ है? कचौड़ी समोसे। अच्छा ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद बापू जी। ये ये ये